हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को चार्जेस के बारे में बताया था। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स होगा, उस फॉर्मूले का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। वो फॉर्मूला कूलम्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण कितना होगा, उसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग वेक्टर ई से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, देखिए मैंने प्रेजेंट किया है वेक्टर ई से। तो आपको क्लियर हो गया इसका मतलब कि ये कैसी राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होगी, ठीक है। अब इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सपोज करिए एक चार्ज है, चार्ज से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और अगर हमने जो आवेश के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे हमने क्या रखा, कोई चार्ज क्यू नॉट रखा, ठीक है। हमने कौन सा चार्ज रखा, कंसिडर किया क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या, यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम लोग परीक्षण आवेश भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हमने वो जो वैद्युत क्षेत्र है वहां पे क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है। तो अब ये आवेश क्या होगा, इस पर एक बल कार्य करेगा, क्योंकि ये एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर एक बल कार्य करेगा। तो इस आवेश पे लगने वाला बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज बोल दे रहे हैं हम डेफिनेशन, कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या हम अगर इस क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है इसको हम लोग वन ले लें, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, छोटी सी डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, यूनिट्स होगी, उसकी डायमेंशन होगी। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगा, फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज की क्या होगी, कूलम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, या इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इसके बाद हम लोग इसका अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे, विमा निकालेंगे, तो इसकी विमा आ जाएगी एम टू दी पावर वन, एल टू दी पावर वन, टी की पावर माइनस थ्री, ए इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फिगर देखिए आप लोग, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को कंसिडरेशन कर लिया है। मतलब इस आवेश के कारण, इस चार्ज के कारण स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये चार्ज कितना फोर्स या कितना वैद्युत क्षेत्र फील करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि देखिए यहाँ पे हमने जो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेते हैं, परीक्षण आवेश कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव इसलिए लेते हैं कि ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है, ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कूलम्स लॉ पढ़ा है। कूलम्स लॉ क्या होता है, वन अपॉन फोर पाइप से नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस फिगर में देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो चार्जेस है वो कौन कौन से हैं, क्यू और क्यू नॉट। तो क्यू वन क्यू टू की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू और क्यू नॉट, ठीक है। अब इस एफ की वैल्यू हमने कहां रख दी, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब हमने एफ की वैल्यू रख दी तो क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे ई की वैल्यू आ गई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट, और क्यू भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि जो मेरा वैद्युत क्षेत्र है
वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आप लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि जो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र भी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी फिजिकल मीनिंग ये हुई कि जैसे जैसे आप इस आवेश से दूर जाते जाओगे तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। मतलब ये हमारा चार्ज है, इससे हम यहाँ गए तो ई का मान घटा, और इधर जाएंगे तो ई का मान और घटेगा, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, ई का मान घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग ने ग्राफ के बारे में भी पढ़ा होगा, ई और आर के बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, ये ई है और ये क्या है, आर है, तो इनके बीच में ग्राफ 1/r² ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आप लोग के पास। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी, स्मॉल डिस्टेंस पे स्थित होते हैं। देखिए आप ये फिगर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे दो आवेश हैं, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, दोनों विपरीत हैं, माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू, दोनों क्या है, विपरीत आवेश, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। दूरी कितनी ली है हमने, 2L, 2L मतलब यहाँ का मिड पॉइंट कोई होगा तो इससे ये डिस्टेंस कितनी होगी, L, और ये L, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हुआ, जब समान किंतु विपरीत आवेश, एक ऐसा निकाय जिसमें क्या हो, समान किंतु विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पे स्थित हो, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम लोग वेक्टर पी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे प्रेजेंट करते हैं, वेक्टर पी से। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, अगेन वेक्टर लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि, मीन्स इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इज इट। तो जो जो हमारा निकाय बना, वैद्युत द्विध्रुव क्या एक निकाय है, इसमें क्या था, विपरीत आवेश थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू अल्प दूरी पे थे, तो ये जो निकाय है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। तो दोनों आवेश में कोई एक आवेश का परिमाण ले लिया मैंने, दोनों आवेश क्या है, विपरीत आवेश है, लेकिन परिमाण क्या था दोनों का, सेम था, तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसको वेक्टर पी से प्रेजेंट किया तो इसका फॉर्मूला होगा पी बराबर क्यू इंटू 2L। क्यू क्या हो गया, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डेट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब इसका मात्रक की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, तो क्यू की यूनिट होगी आपकी कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलाम मीटर। ठीक है, या मीटर सेकेंड एम्पियर, कूलाम क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी होता है, तो आई के लिए एम्पियर और टी के लिए सेकेंड, तो मीटर सेकेंड एम्पियर। और इसकी आप लोग डायमेंशन निकालोगे तो आएगा एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 1 और ए की पावर 1, इज इट। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा सा है लेकिन इसके रिलेटेड काफी सारे फॉर्मुलेस की प्रूफिंग होगी, अभी इस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस टॉपिक पे सबसे ध्यान देने वाली बात क्या थी हमारी, कि दो समान आवेश जो परिमाण में क्या हो, समान, देखिए यहां पे क्यू और क्यू क्या थे, परिमाण दोनों का क्या था, समान था, लेकिन आवेश कैसा था उन पर, विपरीत, मैंने यहां पे माइनस था यहां पे प्लस का था। ठीक है, अगर अल्प दूरी, ये जो 2L है ये कैसी दूरी है, अल्प दूरी पे स्थित हो, तो ये निकाय क्या कहलाता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव। और इसका जो द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, P बराबर क्यू 2L। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा।
अब हम लोग पढ़ते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, हमने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हमने क्या रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखिए हमने एक फिगर में एक समान वैद्युत क्षेत्र बाएं से दाएं की तरफ दिखाया है। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र कहां से कहां जा रहा है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब हमने क्या किया है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, वो वैद्युत द्विध्रुव देखिए ए और बी, ए और बी क्या देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। तो हमने क्या किया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो कि बाएं से दाएं की दिशा में है उस पर कोई थीटा कोण बनाते हुए रखा है। देखिए ये जो हमारा डाइपोल है वो क्या बना रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब ये जो माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है तो ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा, तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लगेगा, बल लगेगा, और माइनस क्यू के कारण भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। तो ये जो बल है, बल क्यों आया, क्योंकि एफ बराबर क्या आया, ई बराबर क्या था, एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, तो जो बल होगा वो उसका परिमाण कितना होगा, क्यू इंटू ई के बराबर। तो ये जो बल होगा इसको क्या करेगा, ये जो प्लस और माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा है ये जो बल, ये क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो बल आघूर्ण होगा उसका मान हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्लास 11 में उन्होंने बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था। बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये जो डाइपोल ए बी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो अगर हमें इसकी लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, देखिए बल आघूर्ण क्या होगा, एफ इंटू ओ बी, ओ बी क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। तो ओ बी हमें कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, साइन थीटा की, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन ए बी, कितना हो जाएगा, ओ बी अपॉन ए बी, तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए मैंने लिखा है साइन थीटा बराबर ओ बी अपॉन ए बी, तो यहां से ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू क्या होगी, टू ए। ठीक है, तो यहां पर ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, टू ए साइन थीटा, देखिए ये यह हमने यहां पर टॉर्क की वैल्यू रख दी, एफ इंटू टू ए साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद एफ, एफ की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई, पढ़ा है आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो वहां से क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई, तो यहां से एफ की वैल्यू रख दी क्यू इंटू ई। तो आप लोग ने अभी पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, पी बराबर क्यू इंटू टू ए, पी बराबर क्या था, क्यू इंटू टू ए, तो यहां से देखो टू ए और क्यू, इसकी जगह क्या हो जाएगा, पी, तो यहां पे अगर हम पी रख दें तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, पी ई साइन थीटा, कितना आ गया, पी ई साइन थीटा। अब देखिए आप लोगों का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा के बाद, आप लोगों ने एक 11th में वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, तो वेक्टर में क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है, पी ई को अगर हम लोग ए बी मान लेंगे तो ये एज ए वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, याद करो ए क्रॉस बी क्या होता था, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पी क्रॉस ई कर दी तो पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मॉड निकालेंगे तो मॉड टॉ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है और ये जो फॉर्मूला है हमारा इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इससे बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का आता ही आता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद जो टॉपिक आने वाले हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सो इन टॉपिक के बाद ही वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉज एंड रिवाइंड करके वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और
कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।